हेलो, हाय, हाय, स्माइल ग्रीटिंग्स, सादर नमस्ते। तो आज हम इस बात को स्टार्ट करें कि आपको प्रैक्टिकल का भी नॉलेज भी नहीं है तो भी आज मैं जो बोल रहा हूँ आज से आप यूज करेंगे। एक अभी मैंने पहले बोला कि प्रोफेसर ने हमेशा आपको हम लोग को अपग्रेडेड अपग्रेडेड ये नॉलेज देते गए। 2010 तक वो अपग्रेड करते गए लास्ट मोमेंट तक, या लास्ट में भी प्रोफेसर की जो लेक्चर हुई, जो सेमिनार हुआ, उसके 17 दिन वो भारत से जब गए, 17 दिन के बाद उनका निर्वाण हो गया। लेकिन नया नॉलेज देखे गए उस वक्त भी, एकदम एडवांस, जो बुक में नहीं है, बराबर है, जो अभी बुक में आए, आने वाली बुक में हो जाए, लेकिन ये एडवांस नॉलेज देते गए। हम हमेशा अपग्रेड अपग्रेड, ये लॉजिकल साइंस था तो हमेशा वो लॉजिक और बढ़ते गए। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको नाम दिया था जोन सुजोग की। तो ये जोन सुजोग की इस तरह का नॉलेज है कि आपको शरीर के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो भी कोई भी इस सिस्टम को यूज कर, कोई पढ़ा लिखा है नहीं है, कुछ भी उसमें मायने, इतना ये सिस्टम में देखे गया है कि ये सिस्टम, उन्होंने ये बोल भी गए कि ये सिस्टम को घर घर में आप पहुंचा दो। एक करुणा उनके अंदर जो थी पूरी ह्यूमैनिटी के प्रति कि आप घर घर में इस नॉलेज को पहुंचा दो, क्योंकि घर घर में पढ़े लिखे हो ना हो, छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, सबको ये अगर सिस्टम समझ में आती है, और बहुत इजी सिस्टम, ये अगर समझ में आता है तो उसी वक्त उसको रिलीफ मिल रहा है। और कोई बीमारी आने के पहले अगर कुछ हम करते तो बीमारी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी सिग्नल दे रही है, उस सिग्नल को आप पहचान और उस वक्त डायरेक्टली आप ट्रीटमेंट करो, और कैसे भी ट्रीटमेंट, गैजेट है नहीं है उसके लिए तो भी आप ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि गैजेट नहीं तो आपके फिंगर्स यूज करके भी ट्रीटमेंट। तो इस तरह का नॉलेज उन्होंने उसको नाम दिया है जोन सुजोग की, जोन ZONE, जोन जोन। तो जोन सुजोग की हम लोग उसकी डिटेल क्लास भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन अब जितना हो सके, क्योंकि आपको भी जैसे टाइम लिमिट है, मैंने बोला कि आपको 13 तारीख तक हम खत्म करेंगे, तो चलो और 2-4 दिन, तो आप लोग सब काम में आपसे आप कुछ इधर उधर करके आप अपना टाइम निकाल रहे, तो भी फिर भी हम लोग क्या करेंगे, 1-2 दिन मैंने आपसे मांगे है कि हम आगे बढ़ने के लिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं। जोन सुजोग, जोन सुजोग की क्या करना है, अभी आपको तो ये मालूम हो गया बॉडी के बारे में सब कुछ मालूम है, नहीं मालूम है तो भी आप करेंगे क्या करना है, देखो फ्रंट जोन में ये जोन में अभी 4 जोन कर रहा हूं, ये फ्रंट जोन, लेफ्ट जोन, राइट जोन, बैक जोन, ये जोन हो गए, ये फ्रंट जोन, लेफ्ट जोन, राइट जोन और पीछे का बैक जोन, ये 4 जोन है। और 4 जोन में ये लाइन अगर निकालते तो ये सेंट्रल फ्रंट सेंट्रल लाइन, ये लेफ्ट लाइन, लेफ्ट बॉर्डर लाइन, इन यांग बॉर्डर लाइन, राइट इन यांग बॉर्डर लाइन और बैक सेंट्रल लाइन, 4 लाइन। अगर ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच में ये भी एक जोन आएगा, लेफ्ट जोन, हाँ लेफ्ट जोन, ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी फ्रंट जोन, लेफ्ट जोन, राइट जोन, बैक जोन, ऐसे भी जोन बन रहे हैं। फ्रंट जोन, ये फ्रंट जोन है, उसकी ये सेंट्रल लाइन, जैसे ये फ्रंट जोन का मिड, बराबर मिड सेंट्रल, हाँ ये लाइन उसकी सेंट्रल लाइन है, फ्रंट जोन की सेंट्रल लाइन, बराबर है, ये लाइन सेंट्रल लाइन। वैसे लेफ्ट जोन की इन यांग बॉर्डर जो रहेगी लेफ्ट बाजू की, वो सेंट्रल लाइन उसकी, हाँ लेफ्ट जोन की वो सेंट्रल लाइन, राइट जोन जो है उसकी इन यांग बॉर्डर जो कान के ऊपर से जाने वाली है वो क्या बन गई, उसकी सेंट्रल लाइन, बैक जोन की पीछे से जो लाइन जाएगी वो उसकी सेंट्रल लाइन, हर एक की सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन के बाद, हाँ ये अगर सेंट्रल लाइन है तो इधर का जोन और इधर का जोन, इसके 2 जोन पड़े, हाँ 2 जोन लेफ्ट के जोन, सामने भी ये सेंट्रल लाइन पकड़ते हैं तो 2 जोन बन गए उसके, और 2 जोन, हाँ फ्रंट जोन के लेफ्ट और राइट जोन बन गए, बराबर है,
वैसे इसके भी ये जो राइट जोन है उसके भी क्या हो गए, फ्रंट राइट जोन, बैक राइट जोन। अभी थोड़ा मैं और दो को जोड़ रहा हूँ, ये क्या बन गया अभी, लेफ्ट जोन, लेफ्ट फ्रंट जोन, लेफ्ट फ्रंट जोन, राइट फ्रंट जोन, बराबर, लेफ्ट फ्रंट जोन, राइट फ्रंट। मैं इधर से देख रहा हूं तो लेफ्ट फ्रंट जोन और बैक बैक लेफ्ट जोन, लेफ्ट फ्रंट जोन और लेफ्ट का बैक जोन, बैक लेफ्ट जोन, लेफ्ट जोन। बाद में पीछे की सेंट्रल लाइन से बैक लेफ्ट जोन, बैक राइट जोन, ये ऐसे जोन। अब ये नाम भी नहीं याद रहते तो भी जानो, उसके बारे में कंफ्यूजन होता है किसी को तो छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ कि एकदम अनपढ़ कोई भी व्यक्ति है वो भी इसको करना चाहे तो ये जोन भी ये शब्दों में अटकना नहीं है, उसको भी छोड़ दिया मैंने, हम लोग उसको भी। अभी कि ये मेरे फ्रंट साइड कुछ बोल रहा है, अभी तकलीफ कौन सी भी शुरू हो गई फ्रंट जोन में, जैसे मेरे अभी आंखों की जलन हो रही है, नाक से पानी निकल रहा है, अभी शुरू हो गई है, गले में कुछ खराश आ रही है, कुछ हो रहा है गले में, बाद में या चेस्ट में कुछ हो रहा है, जलन हो रही है, हार्ट बर्निंग बोलते हैं, ये हो रहा है, इधर इधर भी जलन हो रही है, एसिडिटी, पेट में नीचे यहाँ कुछ दर्द हो रहा है, और नीचे जाते हैं नाभि के उधर कुछ हो रहा है, नाभि के नीचे पेट में दर्द हो रहा है, कोई अपने की बहू बेटी उनमें पेट का समझो पीरियड का प्रॉब्लम चल रहा है और उस वक्त भी उनको दर्द हो रहा है, यानी फ्रंट जोन में जो भी कुछ हो रहा है, बीमारी का नाम भी मालूम नहीं है अपने घर में, लेकिन कुछ हो रहा है मेरे फ्रंट जोन में, कुछ हो रहा है, तो क्या करना है, देखो आसान तरीका, हम एक कोई भी ऐसे काढ़ी भी लेते हैं, ये काढ़ी है अगरबत्ती की, अगरबत्ती की काढ़ी है, इस स्टिक की ये काढ़ी है, ये काढ़ी है, या मेरे पास अभी ये माचिस की काढ़ी है, ये माचिस की है, ये काढ़ी है माचिस वाली, तो ये काढ़ी का मैं आधा तोड़ रहा, आधा मैंने ये तोड़ा है काढ़ी का, अगरबत्ती है तो अगरबत्ती की मैं छोटा इतना एरिया मेरे को एक इंच वाला ये ले रहा है मैंने, इतना तोड़ के मैंने लिया, और टेप को, ये जो टेप है माइक्रोपोर टेप बोलते हैं इसको, केमिस्ट में मिलती है माइक्रोपोर टेप, सर्जिकल टेप बोलते हैं, एक कागज वाली रहती है, इसके ऊपर मैंने ये लगा के इस तरह से मैंने, क्योंकि मुझे चिपकाना है, ये टेप होनी चाहिए ऐसे नहीं है, तब टेप भी नहीं है घर में तो भी चलेगा, तो भी हम किसी दूसरे चीज से टिप, इसको सिर्फ कहाँ लगाना है वो देखना है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ये काड़ी को मैं इधर अंगूठे में, अंगूठे में ये मेरा फ्रंट जोन है, अंगूठे में भी फ्रंट जोन है, तो फ्रंट जोन की ये सेंट्रल लाइन, फ्रंट जोन की सेंट्रल लाइन यानी एकदम मिडल सेंटर में, उसके ऊपर ये काड़ी मैं ऐसे वर्टिकली इस जॉइंट के ऊपर वर्टिकली मैं लगा रहा हूं, वर्टिकली मैंने लगाई, यानी नेचुरल वहां आड़ी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन नेचुरल है, और उसके ऊपर मैंने एक वर्टिकल लगाई, प्लस का साइन हो गया, ये साइन प्लस अधिक से चिन्ह लाला अशी फक्त लावायचे, ऐसे लगा दिए, फ्रंट जोन की कोई भी डिसीज है तो यहां लगानी है, और ये इतनी असरदार होती है कि आपकी जो भी तकलीफ है, बीमारी का नाम भी मालूम नहीं, फिर भी एक दो मिनट के अंदर इसका अपने को इफेक्ट मिलता है, एक दो मिनट के अंदर, ये लगाने के बाद अगर मेरी तकलीफ बढ़ रही है, सामने वाला बोल रहा है कि नहीं नहीं बढ़ रही है, निकालो निकालो, तो ये निकालना है और उसको उल्टा करना है, अप डाउन, अप डाउन उल्टा करना वर्टिकली, और उसको उल्टा करके फिर से उसी जगह लगाना है, फिर से उसी जगह लगाना है, ट्रायल एंड एरर, ये आपको करना है, और वो तुरंत बोलेगा कि मुझे अच्छा लगा, पहले लगाया और पहले ही लगाया उस वक्त भी उसको अच्छा लगा, तो आगे
ठीक है, फिर ट्रायल नहीं करना है आगे, पहले से ही अगर लगाया और उसके नसीब से वही बराबर पोजीशन मिल गया एनर्जी का, तो वही इसका ठीक होना शुरू हो, नहीं तो ट्रायल एंड एरर फिर से ऐसे करके हमने देखा। अभी ये देखा है तो उसको पूछना है कि कितना परसेंट अच्छा लगा, वो अगर बोलता है कि समझो 40% अच्छा लगा बीमारी में, उसके जो है सिम्टम्स उसको 40% अच्छा लगा, तो क्या करेंगे, दूसरी काढ़ी लेनी है, दूसरी लेनी है, वो दूसरी काढ़ी दूसरे अंगूठे पे लगा। अभी दूसरे अंगूठे पे लगाने के बाद फिर से उसको पूछना है क्या कैसे लग रहा है, ये इसकी पोजीशन अगर गलत है तो क्या हो जाएगा, उसको पहले 40% आराम था तो अब ये नेक्स्ट ईयर गलत लगाई तो क्या हो जाएगा, उसका 40% बिगड़ हो जाएगा, वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं ये लगाने के बाद मुझे और तकलीफ फिर से शुरू हो रही है, इसका मतलब इसकी पोजीशन जो है उसको फिर से अप डाउन ये करना है, उसको वर्टिकल अपोजिट करना है, बरा इसको उल्टा करके यहाँ लगाना है, बरा फिर से निकाल के ट्रायल एंड और फिर पूछना है, वो बोलेगा अभी एकदम रिलीफ हो गया, कितना परसेंट समझो 70-80% जो भी बोलेगा, लेकिन मिले से और भी इसको लगाने के बाद, इसको लगाने के बाद और मेरा अच्छा सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो ये दोनों क्या है बराबर हो गए, ये दोनों काढ़ी बराबर लग गई है। अभी ये दोनों लग गई है तो अभी कितना टाइम रखना है, बराबर है ना, ये भी आगे का क्वेश्चन है, कि कितना टाइम रखना है, तो क्या करेंगे, आपको जब अच्छा लग रहा है पूरा अच्छा लगा निकाल के रखना है, निकाल के रखना है, ऐसा नहीं करना है कि भाई ज्यादा लगा के रखो और अच्छा लगेगा तो ज्यादा लगा के रखो, ऐसे नहीं करना है, हमारी टेंडेंसी है खाना और अच्छा लग रहा है तो जरा ज्यादा खाओ, हाँ तो ज्यादा खाना नहीं है, ये एनर्जी का बैलेंस कर रहे हैं आप, तो एनर्जी का बैलेंस हो गया है तो उसको निकाल के रखो। गलती से अगर ज्यादा टाइम हो गया तो क्या होता है, वो एनर्जी का जितना चाहिए उतना होने के बाद एनर्जी का फिर वो पिक पे जाके एनर्जी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, वहां ज्यादा हो गया ना एबनॉर्मल बन जाएगी। एबनॉर्मलिटी किसको कहते हैं, एक तो ज्यादा होना भी एबनॉर्मलिटी और कम होना एबनॉर्मलिटी है, तो आपने जो कुछ किया वो ज्यादा हो गया तो एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, फिर से तकलीफ शुरू हो जाएगी। लक्ष्मण स्वामी जी समझ में आ रहा है ना, फिर से तकलीफ शुरू हो जाएगी, अगर इफ यू अप्लाई इट फॉर मोर टाइम तो फिर से एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं उसको, अगर हो गया ऐसा हम अनजाने में हम भूल गए काढ़ी निकालने के लिए और हो गया तो क्या करेंगे, अपने पास इसका सॉल्यूशन ही है, डोज और एंटीडोज उधर ही है, क्या करेंगे उसको, फिर से उसको उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद 2-4 मिनट में अच्छा लगने के बाद उसको निकाल देंगे, यानी वो एक्सेस जो हो गया उस परिणाम को नलीफाई करेंगे, थोड़ा टाइम लगा के नलीफाई। तो ये बात समझ में आ गई जोन सुजो की, ये बहुत बहुत इतना मिरेकल लगता है, किसी को आप लगते हो तो उसको लगता है कि आपने कुछ मंत्र बोला, क्योंकि विश्वास ही नहीं कि इतना लगाने के बाद झट से होता है, और हमारी साइकोलॉजी क्या है मंत्र तंत्र, इसके प्रति हमारी ये भावना है कि उससे फट से कोई इंद्र बोलता है तो कुछ होता है, तो इसमें भी सबको लगता है आपने कुछ मंत्र चमत्कार। मैं एक काढ़ी को लगाने का प्रोग्राम बड़ी रास्ते पे दिखा कर रहा था, ये वहां बंबई में 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जो बहुत बड़ा जमा हो जाता है, तो मैंने उस वक्त इसका प्रचार करने के लिए लोगों में ये मैं रोड पे ये दिखा रहा था, एक 15-10 मिनट का सेशन लोगों को बड़े रोड पे, तो लोग ये देखते थे लोगों में, मैं किसी को पूछता था, किसी को भी गर्दन की तकलीफ है कमर की तकलीफ है आ जाओ, और हम लोग ये इस तरह से कर रहे थे जैसे रोड पे पहले मदारी लोग खेल दिखाते थे आ जाओ, तो मैं कर रहा था चलो किसी को तकलीफ है आ जाओ, और हम मेरे जो नलिफ सब लोग मेरे साथ वो उनको देते थे झट से ऐसे काढ़ी वीढ़ी लगा देते और उनको आराम हो जाओ। आराम होने के बाद लोग क्या करते थे, मैं आगे का जो बोल रहा हूँ सुनने को तैयार नहीं थे, वो क्या बोलते, काढ़ी की कीमत कितनी है सर, सर वो काढ़ी की कीमत बताओ,
यानी उनको लगता था इस काड़ी में कुछ है, तो कीमत मांग रहे थे काड़ी, यानी हम लोग अगर झोला छाप होते तो हम उधर काड़ी भी बेच सकते थे, ये काड़ी लेके जाओ घर पे। हाँ अरे काड़ी आपको, आपने देखा भी उसका, हाँ एविडेंस देखा उसका, तो लोग श्रद्धा से काड़ी भी लेके जाते। हमने लोगों को ये साइंस उस वक्त हम बता रहे थे लोगों को कि ये काड़ी में ये अलग एक साइंस है, ये काड़ी आप कौन सी भी काड़ी ले लो, यही हमारे हाथ की काड़ी लेना ऐसे नहीं है, कौन सी भी काड़ी ले लो, जिस चीज के दो एंड है उस चीज को आपको वापर करना है, दो एंड है यानी उसको नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, समझ में आया इसका लॉजिक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो कौन सी भी चीज रहे जिसको नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये चौक है इसको नॉर्थ पोल साउथ पोल सभी जगह, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली चीज को लगाना है, चीज कौन सी भी हो हर चीज में ये कैरेक्टर है नॉर्थ पोल और साउथ। तो ये बात समझ में आ गई, फ्रंट के लिए मैंने ये काड़ी लगाई फ्रंट के। और अभी आपको ही समझ में आ जाएगा बैक में कुछ है प्रॉब्लम, मेरे नेक का प्रॉब्लम है, इधर ऑक्सीपिटल लोब का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, अपर थोरैक्स का कुछ पेन है, नीचे लंबर का कुछ पेन शुरू हो गया है, बराबर कमर नीचे तक कुछ शुरू है, तो अभी आपको ये मालूम है क्या करना पड़ेगा, ये फ्रंट जोन है तो बैक जोन में जाएंगे आप, बैक जोन अंगूठे का। हाँ और बैक जोन में भी क्या करेंगे, बैक जोन में पीछे वर्टिकली वैसे ही काड़ी लगाएंगे, बराबर है, अगर आपके पास चिपकाने के लिए कुछ भी नहीं है तो ऐसे पकड़ के रखेंगे दबा के, हाँ थोड़ा पकड़ के रखेंगे, या उसकी थूक से वो चिपका सकता है, हाँ क्योंकि थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम, थोड़े टाइम में अच्छा लगता है, तो उसकी थूक लगाने से उसको ऐसे भी आप उसको बोलते हैं पकड़ के रखो, तो भी क्या हो जाएगा, इसने पकड़ के रखा है उधर वर्टिकल जोन वर्टिकल, तो उसको अच्छा लगने वाला है बैक साइड, और वही फॉर्मूला बैक साइड में लगाने के बाद क्या करेंगे, उसको यही पूछेंगे अब कितना अच्छा लग रहा है, वो बोला ज्यादा लग रहा है, तो उसको निकाल के उल्टा करना है, वो बोल रहा है कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसे भी बोलेगा, देखो आंसर आपके पास, एक तो बोलेगा बात बिगड़ रही है ज्यादा हो रहा है, एक बोलेगा कम हो रहा है, और एक बोलेगा कुछ भी नहीं हो रहा है, तीन आंसर हो गए बराबर, कुछ भी नहीं हो रहा, जब वो बोल रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है तो समझना हो सकता है उसको एनालाइज करने में देर हो रही है, उसको खुद को समझने को देर हो रही है, तो क्या करेंगे हम लोग उस काड़ी को निकालेंगे और फिर उल्टा करके लगाएंगे, जब वो बोल रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है तो काड़ी को निकाल के उल्टा, और उल्टा करने के बाद अगर गलत है तो झट से वो एक्सप्रेस बॉडी करती है, रिजेक्ट करती है, बॉडी कुछ भी गलत चीज को झट से रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, बॉडी की टेंडेंसी है, अच्छी बात कितनी भी है उसको बॉडी कुछ नहीं बोलती, उसका एप्रिसिएशन भी बताती नहीं है, बराबर है, बॉडी की ये टेंडेंसी है हमारी, हाँ ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो अच्छा चल रहा है उसके सामने एप्रिसिएशन भी कुछ भी नहीं, कुछ भी हम रिएक्ट भी नहीं कर, उसको ग्रांटेड पकड़, बराबर उसको थैंक यू बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जब कुछ अलग से कुछ हो रहा है तो झट से हम रिएक्ट होते हैं, अपने व्हाट्सएप पे इधर उधर कभी कभी व्हाट्सएप में देखा है, एक एग्जांपल में टीचर को टेबल पढ़वा रही है पढ़ा रही है, और उसमें पहले स्टार्ट बीच बीच में उसे टेबल बराबर बराबर एक जगह और गलत कर बोल रही है, तो झट से कोई स्टूडेंट बोलता है ना गलत है ये टीचर, क्योंकि गलत के ऊपर बराबर ध्यान जाता है, तो बॉडी यही करती है, आपने जो लगाया वो अगर गलत है तो बॉडी रिजेक्ट करेगी, झट से ज्यादा रिएक्ट करेगी, झट से, हाँ पहले तो चल रहा है तो रिएक्शन कुछ नहीं, लेकिन मैंने ये उल्टा किया और वो गलत है तो बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी, वो बोले नहीं 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 निकल ये अभी मेरे कुछ हो रहा है, इसका मतलब मेरा पहले वाला जो था लगाया हुआ था वो सही था, तो फिर से हम क्या करेंगे पहले वाली जो पोजिशन थी वो रखेंगे, ये समझ में आया, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, उसने ये बोला कि कुछ नहीं लाया तो उल्टा करके देखना है तब समझ में आ जाएगा, और ये जरूर काम करती है, मैं अभी इतने सालों में देख रहा है ये काढ़ी से, हम लोग कौन सा भी कौन सी भी काढ़ी हो
ये पान पे पत्ते उसकी भी मैं डंठल ले रहा हूँ, उसकी भी पत्ती, उसकी भी काड़ी मैं ले रहा हूँ। काड़ी कौन सी भी है लेकिन उसको नॉर्थ पोल साउथ। और ये पत्ते भी हम लोग लगाते हैं किसी स्पेस के ऊपर, ये तो आपको मालूम है। हाँ, ये अभी पत्ता नीम का पत्ता है, मैं ये पैनक्रियास के ऊपर लगा सकता हूँ। हाँ, ये अलग बात है। हाँ, लेकिन ये काड़ी की जो बात है, ये काड़ी की बात आप वर्टिकल जोन में लगा रहे। अभी आपको करस्पोंडेंस मालूम पड़ गया, तो वर्टिकल जोन में मैं ये वर्टिकल लाइन पे लगा रहा हूँ, तो इधर का आधा और इधर का आधा उसने कवर किया, बराबर, फ्रंट जोन को कवर। मैं इधर लगा रहा हूँ, इधर काड़ी साइड में लगा रहा हूँ, तो काड़ी इधर का और इधर का ये दो स्पेस को संभाले, बराबर है, दो स्पेस को संभाले। अभी समझो इस पार्ट में, ये पार्ट, इस पार्ट में मेरी प्रॉब्लम आंख के ऊपर है, आंख। तो अभी आप ये, अभी आपको समझ में आ जाएगा इस पार्ट का, ये आंख यानी उसी पार्ट का मिडल, उसी पार्ट का मिडल लाइन है, बराबर। तो अंगूठे में मैं क्या करूंगा, ये सेंट्रल, फ्रंट सेंट्रल, ये साइड वाली लाइन, और उसका दोनों का आधा, दोनों का आधा में उधर मैं आग के लिए भी लगा सकता हूँ। ये और मैं थोड़ा एडवांस में गया। हाँ, यानी मैं काड़ी किधर लगा सकता हूँ, वो काड़ी मैं इधर की लाइन में, हाँ बराबर, ये बाजू का हाफ करके, हाफ करने वाली लाइन, समझ में आ रहा है किधर लगा रहा हूं मैं। अभी जैसे मैंने ये बोला, ये सेंट्रल लाइन है, हाँ, और इस बाजू में आग की प्रॉब्लम यह है, तो आग की प्रॉब्लम से ऊपर भी एक वर्टिकल लाइन जा रही है। अभी आपको करस्पोंडेंस मालूम है, वर्टिकल आग के यहां से वर्टिकल जा रहे हैं, तो इधर भी मैं एक काड़ी लगा हूं, सेंट्रल वाली काड़ी मैंने नहीं लगाई, डायरेक्टली उस वर्टिकल लाइन की काड़ी मैंने लगाई, उस वर्टिकल लाइन की काड़ी मैंने लगाई। तो मेरे आग, अभी आग की जो प्रॉब्लम चल रही है, या मेरे राइट चेस्ट में कुछ चल रहा है, मेरे निपल लाइन में कुछ चल रहा है, ये गॉलब्लैडर की लाइन में कुछ चल रहा है, अपेंडिक्स की लाइन में कुछ चल रहा है, तो ये सब मेरी राइट हाफ की जो मिड लाइन रहेगी वर्टिकल, हाँ, उसके ऊपर मैं लगूंगा, तो मेरा ये प्रॉब्लम जो है, अपेंडिक्स हो, राइट ओवरी हो, बराबर, राइट ओवरी हो, राइट अपेंड हो, राइट निपल लाइन, गॉल ब्लैडर, इस लाइन में जो भी तकलीफ है, वो लाइन में क्या करूंगा, राइट हाफ बॉडी फ्रंट का, ये फ्रंट और ये साइड, इसके दोनों के बीच की लाइन, तो इसके दोनों के बीच की लाइन यहां मैं पकड़ के उसके ऊपर भी मैं वर्टिकली ला, और आराम आ जाए तुरंत उसको, आराम समझ, सिर्फ आपको उल्टा कर, समझ में आ गया, उल्टा कर वो काड़ी को, उल्टा और आराम आ जाए। वैसे इधर की भी कोई प्रॉब्लम है मेरे, समझो भाई हार्ट की भी, चेस्ट, चेस्ट हार्ट का भी कुछ अभी प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन कुछ इधर चेस्ट ज्यादा अभी पेनिंग हो रहा है, तो झट से मैं क्या करूं, यहाँ काड़ी लगा, कौन से ये एरिया का मिड लाइन, इस एरिया की, हाँ, ये फ्रंट, ये साइड, और उसकी मिड लाइन। तो देखो आप लोग, हम सिस्टर्स लोग, आपको इस तरह का कोई भी जब पेशेंट सामने है, दवाई वगैरह सब कुछ आप सब कुछ करेंगे, लेकिन इस तरह का अगर छोटा सा काम, उसको हम कुछ मदद करते हो, देखो कितनी बड़ी बात है, इसके लिए कुछ अपने को करना नहीं है, एक छोटी सी काम, जो भी मिले चीज उसके दो पॉइंट होने चाहिए। मैं कभी कभी ये भी बताता हूं कि अपना बाल है ना, वो भी चलेगा, क्योंकि बग के भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगी। कोई भी कपड़े का धागे का भी, हाँ, कपड़े का धागा भी आपने खींचा और वो इधर लगाया, तो ये सब चीजें आजू बाजू में झट से मिलेंगी जिसको दो। हमारे कलीग वो ट्रेन से सफर कर रहे थे, और उसके सामने किसी को कुछ हो गया, तो उन्होंने क्या किया, छोटी बिस्लरी की छोटी बॉटल, बॉटल का ही कट किया,
और सामने बॉटल ही उसके उस हिस्से पे, उन्होंने डायरेक्ट बॉडी के ऊपर वो बॉटल का ये ऐसे करके रखा और थोड़ी देर में उसको आराम हो गया सामने वाला सिर्फ बॉटल। तो क्या है, उसको भी दो एंड थे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये उसने भी करके दिखाया, आजमाया। तो हमें, चलो लोगों को कभी ये क्या हो रहा है, तो चलो ये गाड़ी का तो आप कर सकते हैं कभी, तो इस तरह से आप कर सकते हो वर्टिकली। आपको जोन, ये अलग अलग जोन है, इसमें आपको अगर नजर में बराबर जोन दिख रहा है उस जोन के ऊपर वर्टिकली लगा, ठीक है, वर्टिकली उस जोन पे लगानी है, बस इतना ही करना। अभी बैंक में मेरी अभी राइट किडनी में कुछ प्रॉब्लम शुरू है, उसके कारण कुछ हो रहा है, तो राइट किडनी में, राइट किडनी में, तो मैं बैक अंगूठी के बैक में जैसे मैं हूँ वैसे मैं देख रहा हूँ। अभी मेरा राइट हैंड है, ये राइट हैंड में मैं बैक को देख रहा हूँ, तो मेरी बैक इधर राइट हैंड में, राइट साइड ये मेरी, ये अंगूठे की मेरे राइट साइड हो जाएगी। आपके अंगूठे पे भी देखो राइट हैंड राइट साइड का है, तो राइट साइड देखो, ये फिंगर्स की तरफ मेरी राइट साइड है। आपके हाथ पे भी देखो फिंगर की तरफ राइट साइड है, लेफ्ट साइड ये आउटर बॉर्डर की तरफ मेरी लेफ्ट साइड है। जैसे मेरी पीठ जैसे है वैसे मैं इधर दिख रहा हूँ, और उधर मैं वर्टिकली किडनी के लिए ये जो सेंटर लाइन, ये साइड लाइन, उसके बीच वाली लाइन को मैं पकड़ूंगा, मिड लाइन को, बरा उस पोर्शन का मिड, तो वहां मैं वर्टिकली एक गाड़ी लगाओ और झट से देखू कितना आराम आ रहा है, फिर से उसको उल्टा। तो ये समझ में आ गई बात, कैसे कैसे हम यूज कर रहे, एकदम आसान तरीका। और ये तरीका ओके, अभी विद्या जी आप जो पूछ रहे बराबर, ये बॉडी को हम पूरी बॉडी को कंसीडर कर रहे हैं, पूरी बॉडी को हम देख रहे हैं, लेकिन वो बॉडी को हम यहाँ देख रहे हैं, हेड यहाँ देख रहे हैं बॉडी, और इसके पीछे एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या, ये बराबर है ऊपर वाला बराबर है, तो वहां से एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इसके साथ, ये ऊपर वाले से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, बॉडी ऊपर वाले से कनेक्शन कर रहे हैं, और तब ये इधर भी मैं लगा सकता हूँ, इधर भी लगा सकता हूँ। लेकिन इसको हम आगे जाके अगर आप सुनते हो इसके एडवांस में, तो ये सब दिस वर्ल्ड है, ये इधर का वर्ल्ड, और ये यहाँ से शुरू होता है उसका वर्ल्ड। इसके लिए कोई भी कल्चर हो दिखाते ऊपर वाले को इससे दिखा, तो ये हम ये कंसेप्ट और बहुत ये चल रही है कि आपको झट से आराम मिलता है, ये ऊपर वाले की कंसेप्ट है और ये ऊपर वाला है। और एनर्जी जो ये मानते नहीं है उसके लिए भी ये साइंटिफिक, इसमें क्या है कि अंगूठा सबसे अलग है और इसके लिए अंगूठे का छापा लिया जाता है सभी जगह, अंगूठा दिखाना ठेंगा दिखाना भी होता है और सक्सेस भी होता है, बराबर है। तो अंगूठे में सब क्वालिटी है, अंगूठे से आप ठेंगा भी दिखाते हो और सक्सेस को भी आप अप्रिशिएट भी करते हो, एनकरेज भी करते हो, ये अंगूठे में सब क्वालिटी। और देखो बच्चा इस फिंगर को नहीं चूसता, इस फिंगर को नहीं चूसता है डायरेक्टली, जब उसकी कोई डिफेक्ट है उसके बॉडी के अंदर तो बच्चा हमेशा क्या करेगा, इसको चूसता है, क्योंकि यहाँ से उसको जो मिलना है वो मिलता है। जिसकी अगर कोई डेफिशिएंसी है उस बच्चे में, तो वो बच्चा अपने आप इसको चूसना शुरू कर, वो बाकी के फिंगर को ले, इस फिंगर को ले, बाकी के फिंगर इस दुनिया के क्या हो गया, मिस्ट्री है, इस दुनिया में आके मिस्ट्री उसको लगेगा, तो ये फिंगर ये मिस्ट्री की फिंगर, लेकिन ये फिंगर उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये समझ में आ गया, इसको हम इस तरह से देख, तो राइट किडनी लेफ्ट किडनी उस तरह से आप ट्रीटमेंट करें और इतना इफेक्टिव है। फिर क्या करिए, अभी आज आपने वो ट्रीटमेंट किया, आज आपको कुछ लगा, आपने ट्रीटमेंट किया अच्छा लगा, कल परसों भी ये प्रॉब्लम आ गई तो क्या करना है? तो क्या होता है, फिर से आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, फिर से ट्रायल एंड एरर करना। तो ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़े इसके लिए आप क्या करेंगे, तो ये गाड़ी में नॉर्थ पोल है साउथ पोल कौन है ये पहचानना है। आप कुछ भी यूज कर रहे हैं उसको नॉर्थ और साउथ को पहचान, तो कैसे पहचान है, नॉर्थ और साउथ की पहचान क्या, तो ये अपने को थोड़ा अभी
देखना है। अगर एकदम सिंपल बात है कि आपके घर में आप मैग्नेट रखो, मैग्नेट स्टिक मैग्नेट, इस तरह का एक मैग्नेट रहेगा, हाँ लंबा वाला, इसको स्टिक मैग्नेट बोलते हैं। हाँ मैं बताता हूँ स्फूर्ति जी, अभी ये जो मैग्नेट है, इस तरह का मैग्नेट ना, आपके घर में रखो, आपके पर्स में रखो, एक चार पांच मैग्नेट पर्स में रखो, घर में भी रखो, आपके पर्स में रखो, क्योंकि कहीं भी काम आ जाए ये मैग्नेट। अभी ये मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ फिक्स, नॉर्थ और साउथ फिक्स है, तो आज मैंने समझो ऐसे लगाया है, मुझे आराम आ गया है, तो उसका मैंने फोटो भी निकाल के रखा। घर में ये बोलना है जिसको भी आप बता रहे इसका कर रहे, तो क्या बोलना, उसको फोटो निकाल के रखो, और कल परसों अगर ये होता है कुछ भी तो क्या करो, डायरेक्टली आप ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको नॉर्थ कौन साउथ कौन ये मालूम है, इसके इसके दो है ना, तो नॉर्थ साउथ मालूम है, तो डायरेक्टली आप अप्लाई करें, बराबर है। तो इसके लिए ये मैग्नेट अगर आप रखते हो आपके साथ, चार पांच मैग्नेट घर में रखो, पर रखो, क्योंकि किसी को कभी लगे तो डायरेक्टली आप मैग्नेट, तो ये हो गया आपके साथ मैग्नेट रहे। अभी स्फूर्ति जी ने पूछा कि एट अ टाइम हम कितने स्टिक या मैग्नेट लगाए, तो अभी तो आपने देखा कि मैंने इधर एक लगाया और उसमें आराम पाने के बाद जो बची हुई बात उसके लिए हमने क्या किया, दूसरा अंगूठा लिया, इसको वैसे ही रखा एक लगा के बाद और दूसरा लिया, यानी दो लगाया, बराबर दो लगाए, क्योंकि ये जो मेरिडियन शरीर के अंदर जो एनर्जी के जाते हैं दोनों बाजू में, तो क्या होता है कभी कभी ये दोनों में इम्बैलेंस होता है और उसके कारण अपने को कुछ डिसीज दिख रही है, दोनों में दो बाजू में है, वैसे फ्रंट बैक भी जो है ना उसमें भी इम्बैलेंस है, तो ये वर्टिकल लाइन जो है तो दो बाजू में उसका इम्बैलेंस हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, तो एक बाजू में उसको माइनस करने के लिए लगा रहे हैं, अपने को मालूम नहीं अभी प्लस माइनस को, लेकिन उधर लगे तो दूसरी बाजू उसकी इम्बैलेंस चल रही है, तो उसके ऊपर भी आप ट्रायल एंड एरर से लगाते हैं, दो बाजू में लगाने के बाद दोनों में भी बैलेंस हो जाता है, इसके लिए दो पकड़ रहे हैं, दोनों बाजू में इसके लिए पकड़, कभी कभी दोनों बाजू में आपने अभी लगाया ना जो मैग्नेट, तो ये मैग्नेट समझो व्हाइट वाला पार्ट डाउन में है और अप में येलो है, यहाँ लगाते समझा समझो क्या होने वाला है, अगर दोनों बाजू में इम्बैलेंस है तो ये पार्ट ऊपर व्हाइट हो जाएगा नीचे हो जाएगा, बराबर, अभी क्या है कि दोनों भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों में भी एक ही तरह का मैग्नेट लगे, यानी ऊपर येलो है नीचे व्हाइट है, तो इनको व्हाइट ही रहे, ऐसे भी होता है, हाँ दोनों जगह भी सेम मैग्नेट रहे, एक तो एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, नहीं दोनों जगह सेम रहे, सेम रहेंगे यानी दोनों बाजू की जो मेरिडियन है उसमें दोनों बाजू में सेम इफेक्ट है, एक तो प्लस ही है या माइनस हुई है, इसके लिए उसके जो लगाए हुए वो सेम दिख रहे, और दोनों बाजू में क्या हो रहा है, एक बाजू में प्लस है एक बाजू में माइनस है, उल्टा सुलटा दिखेगा, इसमें जो आएगा वे अलग है, तो ये मैग्नेट आप रखते हो, लेकिन अगर मैग्नेट नहीं है तो काढ़ी है अपने लिए, हाँ काढ़ी ले ली, बराबर काढ़ी ले ली है, तो काढ़ी जहां तोड़ते हो, काढ़ी जहां टूटती है वो हमेशा आपका नॉर्थ पोल रहेगा, और जो पहले से जो साबुत पोल है उसका वो रहेगा साउथ, जहां काढ़ी को तोड़ा, अभी ये काढ़ी है, ये काढ़ी को मैं ऐसे तोड़ता हूं, तो तोड़ने के बाद ये मेरा जहां टूट गई वो नॉर्थ है, जहां टूट गई वो नॉर्थ है और आगे वाला साउथ है, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई और मैंने ये लगाई तो मुझे अभी मालूम पड़ गया नीचे वाला नॉर्थ है ऊपर वाला साउथ है और मुझे आराम आ गया, तो इसको मैंने फोटो भी निकाल के रखी है, फोटो निकालने के बाद उधर मैं चाहे तो लिख के रखू कि मेरा नॉर्थ नीचे था और साउथ ऊपर, ये भी मेरे दिमाग में बैठ गया, फिर मेरे को कल अगर परसों इसकी तकलीफ हो रही है तो डायरेक्टली मैं काढ़ी तोड़ के भी मुझे मालूम है नॉर्थ किधर है, मैंने डायरेक्ट, तो ये बात क्लियर हो गई कि नॉर्थ और साउथ कौन सा हो, जैसे मैंने बोला बाल भी चलेगा लेकिन दूसरे को यूज कर रहे हैं तो उसका बाल ही खींचो,
नहीं तो उसको लगेगा इसके बाल में ज्यादा शक्ति है और अपने बाल कुछ दिन के बाद अपने बचेंगे नहीं, हाँ तो उसके ही बाल उसको देना है और उसकी प्रॉपर्टी है, उसके बाल उसको ज्यादा हाँ उसके साथ ज्यादा मैच करेंगे बराबर एनर्जी, हाँ तो उसके बाल ही उसको अगर देना है तो इस तरह से आप यूज करेंगे। अभी देखो जोन में ये अभी ये तीन फ्लोर मैंने बनाए ना, उसे बनाए थे हेड के, हाँ तो मेरे इधर से कुछ हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, तो मैं इसको बॉडी इसके जोन इस तरह से क्या मैंने तीन जोन किया और ऊपर के जोन में उसका सेंट्रल लाइन निकाल के उसके ऊपर मैं इस तरह की काढ़ी लगा सकता हूँ। अभी काढ़ी नहीं है, मैं ये डेंटल है, हाँ ये वनस्पति, हाँ फ्लेक्सिबल है बराबर है। या तो मैं क्या करूँ, वायर का टुकड़ा है, ये वायर का टुकड़ा है, ईयरफोन की वायर आपके पास पुरानी है उसके कट करके टुकड़े रखो क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ में काढ़ी लगाने के बाद क्या हो रहा है, इसका एक एंड ऐसे एंड इधर बाहर जा रहा है, ज्यादा फिक्स नहीं हो रहा है ना, तो मैं ये वायर का टुकड़ा फ्लेक्सिबल है, ये वायर के टुकड़े को मैं ऐसे वायर के टुकड़े को लगाया, हाँ ये दो एंड एक दूसरे के साथ जोड़ने नहीं है, फ्री रखने हैं, नॉर्थ और साउथ को फ्री रखने हैं, हाँ तो ये मैंने लगाया, ये लगाया और देख रहा हूं मैं अभी कहीं लगाया, अगर फिर से कुछ ज्यादा लग रहा है इसका मतलब ये मेरा नॉर्थ और साउथ का जो एंड है वो गलत है, तो मैं उसको निकालूंगा और नॉर्थ और साउथ उसकी पोजीशन अभी बदल गई, हाँ मैंने उसको उल्टा और फिर से देख लगा दी और आराम तुरंत है, एक दो मिनट की बात, दो मिनट में हम देखते हैं कितना आराम हो और होने के बाद इसको ऐसे रखेगी फिर दूसरे हफ्ते। तो ये करने के बाद मैंने बोला है कि एक दो घंटा तीन घंटा, लेकिन अच्छा लगने के बाद निकाल के रखना है, पूरी रबर लगाना नहीं है। दूसरी बात, नींद आ रही है रात के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो रात के टाइम नींद में जाने के पहले निकाल के रखना है, नींद में जाने के पहले निकाल के रखना, समझ में आया ये बात को, नींद में जाने के पहले निकाल के। और अभी देखो घुटने की तकलीफ है, घुटने की तकलीफ के लिए इसका भी यूज करेंगे, अगर घुटने में हॉरिजॉन्टल उसकी तकलीफ चल रही है हॉरिजॉन्टल, हाँ क्योंकि वो पैर एक दूसरे के ऊपर घिस रहा है उसकी हड्डियां घिस रही है और चलने में तकलीफ आ रही है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में तकलीफ शुरू है, हॉरिजॉन्टल लाइन में तकलीफ शुरू है, तो आप उस तकलीफ वाला पॉइंट ढूंढेंगे और उस पॉइंट पे ये जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल लगाओ, बराबर उस पॉइंट पे ये वायर हॉरिजॉन्टल लगाओ और हॉरिजॉन्टल लगाने के बाद उसको बोलो देखो अभी क्या लग रहा है, वो बोल रहा है नहीं नहीं भैया ज्यादा हो रहा है, तो इसको निकाल के उल्टा करो, हाँ फिर लगाओ तो तुरंत आराम आ जाए, ये एनर्जी का जल्दी मैनिपुलेशन हो, तो ये वर्टिकल हो गया। कोई बोल रहा है ये घुटने में या जिधर वो दिखा रहा है उस जोन पे ऐसे वर्टिकल चल रहा है, पेनिंग वर्टिकल चल, तो क्या करेंगे उस जोन को सिलेक्ट करके ये वायर या काड़ी जो भी है उस जोन को सिलेक्ट करेंगे, उस जोन पे ये वर्टिकल लगाएंगे, बराबर है वर्टिकल लगाएंगे जिधर भी आपको दिख रहा है, तो ये पैर के ऊपर इस तरह से कर सकते हो जिस जोन में आपको करना है, जोन देखना है और उसमें गड़बड़ हो रही है तो आपका ऑब्जर्वेशन बराबर करके उसको लगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं, तो ये आप कर सकते हो और घर में सभी को ये सिखा सकते हो कैसे करना है, क्योंकि हम उधर नहीं है तो भी अपने घर में सबको मालूम है तो झट से करेंगे, कोई डायरेक्टली कोई दवा या गोली लेने की जरूरत नहीं, और हम यही चाहते हैं कि कम से कम दवा गोली का कम से कम वापर हो जाए, तो ये तो एक अच्छी बात आपके सामने है कि जब चाहे तब, अभी मेरा हेडेक हो तो गोली इधर ऐसा हेडेक है ऐसी ये लगा रहा हूँ और सीधा इधर साइनस की कुछ प्रॉब्लम साइनस के कारण मुझे हो रहा है तो मैं वर्टिकल लगाओ, बराबर वर्टिकल लगाओ साइनस की प्रॉब्लम, हाँ थ्रोट का इन्फेक्शन है कुछ भी है
तो मैं डायरेक्ट इस तरह से लगा सकता। अभी मंत्री जी जो आपने पूछा ऑस्टियोआर्थराइटिस, हमें मालूम नहीं है बीमारी क्या है, हम सिर्फ अभी क्या करते हैं उसकी बीमारी जो पेनिंग दिखा रही है उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के बाद उसका असर बीमारी पे हो रहा है, हमें मालूम नहीं उसको क्या हुआ है, बराबर है। हम तो उसको छठ से रिलीफ दे रहे हैं उसके पेन में, और पेन में रिलीफ होने के बाद उसकी अपने आप अंदर जैसे चालू है उसका प्रोसेस, जो हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा, बाद में उसकी और भी आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बाकी की ट्रीटमेंट भी दे, बराबर है। आपने किया उसको बाकी की ट्रीटमेंट दे, तो बाकी भी आपको सुजोग का जो मालूम है वो बाकी का यूज आप करो उसके साथ, और उसकी अगर दवाई चालू है उसकी कोई मेडिसिन चालू है वो चालू रखो उस वक्त, हाँ उसके आयुर्वेदिक है होम्योपैथिक जो है उसको चालू रखो, लेकिन ये आप उसको तुरंत आप ये कर रहे उसका। और किसी को पेन से मुक्त करना ये बहुत बड़ी बात है, हाँ क्योंकि कोई भी क्या चाहता, मुझे बीमारी कौन सी भी हो लेकिन पेन नहीं चाहिए, दर्द नहीं चाहिए, कितनी कौन सी भी बीमारी रहे चलेगी लेकिन मुझे दर्द नहीं चाहिए, तो ये सबकी डिमांड है। इसके तो पेन मैनेजमेंट के क्लिनिक चलते हैं सभी जगह कुछ, तो ये अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस में उसको अगर घुटने पे घुटना घुटने पे हड्डी ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी में प्रॉब्लम तो हॉरिजॉन्टल है ना, और वही प्रॉब्लम उसको अगर पेनिंग वर्टिकल भी लग रही है तो वर्टिकल वाली भी लगा, एक जगह दो भी लगा सकते, एक जगह आपने हॉरिजॉन्टल भी लगाई और वर्टिकल भी लगाई, दोनों भी चले, दोनों भी चले। इसको ओबेसिटी के लिए इसमें कुछ नहीं, क्योंकि ओबेसिटी को आप कैसे पहचानेंगे, मैंने लिया ये लगाया और तुरंत उसके ऊपर इफेक्ट क्या हो गया ये कैसे पहचानेंगे, तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं ये ओबेसिटी के काम नहीं, जो सिम्टम अभी आपके सामने दिख रहे तो ये बताएगा ना। अब मैं डायबिटीज के लिए कैसे इसके ऊपर देखो कि क्या आपको आराम आ रहा है क्या चल रहा है, मैं देख नहीं सकता हूँ ये लगाने के बाद, जिसमें सिम्टम अभी दिख रहे अभी शुरू हो गए और दिख भी रहे उस सिम्टम के लिए, तो शुगर की प्रॉब्लम मैं नहीं बता सकता हूँ ना, ये लगने के बाद उसको ये कैसे है उसको चेंज करना ये नहीं हो सकता है। इसके लिए उस बारे में हम लोग को पूरा ट्रीटमेंट करना, इसको पूरा ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। हाँ तो ये हो गया, हाँ तो इस तरह से हम ट्राई कर रहे हैं, बराबर। तो इसको आपको बाकी का जो नॉलेज है वो यूज करेंगे, लेकिन सामने आया है या जो बात अभी सामने चल रही उसको झट से आप ये कवर करो झट से उसी वक्त, तो एक पेशेंट के मन में विश्वास भी जागरूक हो जाता है और बाकी का ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसको उसी वक्त पेन से तो मुक्त कर रहे हैं आप, दर्द से मुक्त उसी वक्त उसको दे रहे, तो ये करेंगे एक ही जगह पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी लगा सकते, और भी किसी पॉइंट आपको हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे, कोई पॉइंट पेनफुल पॉइंट है उसको आप लगा रहे हैं, उस पेनफुल पॉइंट के ऊपर अगर ज्यादा पेनफुल पॉइंट है बॉडी का और उसको यहाँ आपने ढूंढ लिया तो उस पॉइंट के ऊपर एक मैग्नेट लगाते हैं कुछ भी लगाते हैं उसको आराम आता है, लेकिन ये जोन वाली सिस्टम है वो काड़ी वाली सिस्टम उस पॉइंट भी लगा सकते, और उसको क्या करना है वर्टिकली लगाना है, देखना है उसे पूछना है अभी कितना पेनिंग है, तो बोलता है नहीं कुछ नहीं है, तो उसको उल्टा करना है फिर भी बोलता है कुछ नहीं है, यानी वर्टिकल लाइन में उसकी एनर्जी प्रॉब्लम नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल की प्रॉब्लम है क्या, तो हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे फिर उसको उल्टा सुल्टा करके देखेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो हॉरिजॉन्टल की भी प्रॉब्लम नहीं, फिर डायगोनल में जाए, ये भी हम करेंगे प्रैक्टिकल में देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। समझो ये हाथ तो समझो इधर कुछ प्रॉब्लम अभी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आपको दिख रही है, इधर प्रॉब्लम पेनफुल पॉइंट है, पेनफुल पॉइंट इधर मिला है तो डायरेक्टली वहां मैंने ताड़ी ऐसी लगाई वर्टिकल वाली इस प्रॉब्लम पे लगाई और उसको बोला क्या हो रहा है देखो, वो बोलते कुछ भी नहीं,
कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसको उल्टा करके भी देखा, फिर भी वो बोलता है कुछ भी नहीं। यानी उस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन की जो मेरिडियन रहेगी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे अभी हम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में भी देखेंगे, पूछेंगे उसको, वो बोलता है कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा करके देखा तो भी कुछ नहीं हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल की भी प्रॉब्लम नहीं। फिर हम क्या करेंगे डायगोनल, डायगोनल देखेंगे, उसी पॉइंट पे डायगोनल लगा के देखेंगे, अगर होता है नहीं तो उस डायगोनल को फिर उधर से उठा के उल्टा करें। तो इस तरह का ट्रीटमेंट, इतनी फास्ट ट्रीटमेंट है उस पॉइंट को भी ट्रीटमेंट देने की, क्योंकि अपने जगह पे एनर्जी, जैसे कपड़ा है, कपड़े के अंदर ऐसे है, ऐसे धागे है ना, वैसे एनर्जी के उस पॉइंट के ऊपर भी क्या आ रहा है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल है, डायगोनल है, सब तरह से एनर्जी के पॉइंट्स ऐसे एनर्जी आ रही है, एक एनर्जी का वेव है, इंटरनेट है। तो ये इस तरह से हम जो पॉइंट पेनफुल है उधर भी ट्रीट करते हैं बॉडी का जो मिले। तो ये जोन सिस्टम में हम लोग कभी कभी कागज लगाते हैं, कागज, और उससे भी आराम आता है। ये जो टेप है, इस टेप को कभी कभी ऐसे फाड़ देते हैं, ये मैंने टेप का हिस्सा थोड़ा सा निकाल दिया, अभी मेरे को मालूम है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, जिसने फाड़ा वो नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ साउथ वाला टेप में इस तरह से मैंने लगाया, काड़ी भी नहीं लगा, ये किया तो भी चल रहा है। और ये हम लोग 2-3 साल हमने देखा इसका प्रयोग, राजस्थान में खाटू श्याम जी की यात्रा रही थी, वहां हम जाते हैं, एक कैंप रहता है सुजोक का, तो वहां बहुत सारे लोग लंबे दूर के गांव से चल के आते हैं, चल के वहां पैदल आते हैं, तो आते उनके पैर इतने सूज जाते हैं, 2-2 दिन चल के आते हैं वो लोग, तो हमारे कैंप में जब आते हैं लोग तो लोगों के पैर सूजे हुए, आगे चलने की अभी हिम्मत नहीं हो रही है, और वो जो मंदिर है वो अभी नजदीक 1 किलोमीटर पे मंदिर है, तब पूरा ताकत जाती है उसकी, उसको लगता है कुछ मिले, ट्रीटमेंट मिले। तब हम क्या करते हैं, अभी इतने लोग आ रहे हैं तो ये कागज का टुकड़ा हम लगाते हैं, और कागज का टुकड़ा कहाँ लगाते हैं देखो, ये अपने पास टेप है, हमारे पास टेप होती है, वो दूसरी होती है जरा, कौन सी जो वाटर प्रूफ रहती है वो टेप रहती है, तो उस टेप को ऐसे फाड़ देते हैं, ये टेप फाड़ने के बाद इधर ये पैर है उसका, इस पैर के ऊपर ये एक डायगोनल लगाया और दूसरा डायगोनल, इस तरह से दूसरा डायगोनल लगा, 2 डायगोनल वैसे इस पैर के ऊपर लगा देते, 2 डायगोनल, और वो आदमी उठता है और पैर ऐसे जमीन पे लगा के देखता है, अरे पेन गायब हो गया, अच्छा लग रहा है तुरंत, और उसके आजू बाजू में जो खड़े होते हैं उसको लाए हुए लोग वो भी देखते हैं उसको एकदम अचरज, क्या वो बोलते हैं अच्छा लग रहा है, इनको भी विश्वास नहीं होता है कि कैसे अच्छा लग रहा है बोल रहे हैं। तो हमें मालूम है कि उसकी एनर्जी जो डायगोनल जाने वाली एनर्जी के, जो मैंने कल बताया कि स्पाइरल एनर्जी के जो अपने अंदर मेरिडियंस है, उस स्पाइरल एनर्जी को हमने लगा दिया और उसी वक्त उसको अच्छा लगता है। तो ये हम सिर्फ कागज के टुकड़े लगा रहे हैं, क्योंकि आप मेथी ये वो लगाने में टाइम नहीं है, जो आ रहे उसको लगाते हैं, पूछते हैं क्या हो गया, जाओ बाबा का नाम लो, निकलते लोग बाबा का नाम चलते हैं। तो ये होता है, हम सिर्फ कागज से, ये वेरी पैड हमने देखा है किस तरह से हो रहा है। तो इस ये जोन सुजोक की बहुत बड़ी बात प्रोफेसर देखे गए, और हमें बोला, उन्होंने बोला था कि घर घर में इस बात को पहुंचाओ, घर घर में पहुंचाओ। उन्होंने कभी हमें ईमेल नहीं किए थे, कभी किससे कॉन्टेक्ट नहीं था, लेकिन ये सिखाने के बाद उन्होंने सबको ईमेल दिए थे, सबको एक रिक्वेस्ट भेजी, अपील भेजा था कि आप इस बात को घर घर में पहुंचो, यानी इतनी ये महत्वपूर्ण बात उनको लगी कि घर घर में इस बात का प्रचार। तो इसके लिए मैं भी जहां मुझे टाइम मिलता है, जहां जाना होता है, मैं इस बात को प्रचार करता हूं कि प्रोफेसर को एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि, क्योंकि उनका सपना था
कि घर घर में ये बात पहुंचे और लोगों को जो पेनिंग हो रहा है उसको तुरंत आरंभ, तो यही हम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने कंप्लीट किया, इतने दिन में जो चल रहा है उसका ये सब पिक पॉइंट था। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सर, गिडीनेस साठी कुठले पॉइंट आपण वापरू शकतो? हाँ, आता पर गिडीनेस है अभी पॉइंट के हिसाब से जो आप लोग कर रहे थे, हाँ पॉइंट्स करस्पोंडेंस सिस्टम, अभी करस्पोंडेंस सिस्टम में गिडीनेस के बारे में आपको पता नहीं चलेगा कौन से ऑर्गन से कनेक्टेड है, बराबर है। अभी ब्रेन तो है, गिडीनेस है, लेकिन गिडीनेस किस कारण आ रहा है अपने को बराबर मालूम, तो आपको ऑर्गन में जाके चेक कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जोन का मैंने बताया, तो आपके पूरे ब्रेन तो हम क्या सेंट्रल लाइन पकड़ रहे हैं, सेंट्रल लाइन पकड़े, ये मैंने ये फ्लेक्सिबल वायर ली है और ये सेंट्रल लाइन पे ये मैंने आगे पीछे से ऐसे लगाए, तो इसमें फ्रंट सेंट्रल बैक सेंट्रल दोनों भी कवर हो गई, हाँ दोनों भी कवर हो गई, तो इसको मैंने इस तरह से लगा दिया और देखूंगा मैं गिडीनेस कितना कम, समझ गया। मैं इधर ये फ्रंट सेंट्रल बैक सेंट्रल लाइन को अंगूठे पे मैं इसको इस तरह से मैंने ये फ्लेक्सिबल वायर लगा दिया, समझ में आ रहा है। तो अपने ब्रेन के ऊपर इसका डायरेक्ट उधर की एनर्जी को मैनिपुलेशन हो रहा है। हाँ वैशाली जी, नेक पेन के लिए क्या करिए, तो नेक पेन के लिए बैक सेंट्रल लाइन है ना आपके पास, बैक सेंट्रल लाइन के ऊपर ये लगा रहे हैं आप, बैक सेंट्रल अंगूठे के बैक सेंट्रल, तो सर्वाइकल की तकलीफ के लिए ये हो जाएगा बैक सेंट्रल लाइन के, ओके। और मैंने जो कागज का जो बोला है, तो कागज एक ही जगह पे आप हॉरिजॉन्टल भी लगा रहे हैं और वर्टिकल भी लगा रहे हैं या डायगोनल लगा रहे हैं, कागज ज्यादा अच्छी तरह से काम करता है उसमें। और वायर, वायर के टुकड़े ये फ्लेक्सिबल है, जैसे घुटने पर अपने वायर का टुकड़ा लगाया फ्लेक्सिबल है, बराबर है। हाँ ये इधर भी मैंने वायर का टुकड़ा लगाया, ये फ्लेक्सिबल है। हमारे एक स्टूडेंट जो 82 साल के नौजवान है, क्योंकि 82 साल में भी वो बहुत अच्छी तरह से दौड़ धूप कर रहे हैं, और उनके किस्से में एक बॉटल रहती है, उस बॉटल में ये वायर के टुकड़े रहते हैं, और कोई ट्रेन में भी बोल रहा है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, वो निकालते हैं और वो वायर का टुकड़ा लगाते हैं, और सामने वाला बोलता है आराम हो गया चाचा, बाबा आराम हो गया, उसको उनको इसमें बहुत आनंद मिलता है। आप उसके सिराने पे पिलो के उधर बॉटल रखते हैं, फिर रात को अगर खांसी हो रही है तो निकालते हैं और ये सेंट्रल लाइन लगा दिया, खांसी बंद, तो ये कर रहे हो हमेशा उनके हाथ उनके हिस्से में एक बॉटल रहे, तो ये टुकड़े उन्होंने बना के रखे बारीक बारीक वायर के लगाते। और इसके लिए वायर के टुकड़े, ये कौन सी भी वायर है उसके अंदर तार है नहीं है ये मायने नहीं रखता है। देखो क्या बोला मैं, नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए, और हर चीज को नॉर्थ और साउथ, हाँ ये कागज में भी नॉर्थ और साउथ आ गया, समझ में आया ना लॉजिक इसका, कि नॉर्थ और साउथ होना चाहिए, बस इतना ही। आगे जाके आप इसमें आगे आगे बढ़ेंगे तो आप उसको कलर में भी बदल देंगे कि मुझे कौन सा रेड कलर चाहिए या ब्लैक कलर चाहिए, ये भी देखेंगे आगे जाके, अभी इसमें कंफ्यूजन नहीं, तो अभी इतना ही है। आप इस तरह से जोन को ये करना है